क्या हुआ है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे बदल ही देंगे। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 5 जुलाई दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा, और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन सोमवार है, भोले शंकर भगवान का दिन है, भोले शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें मित्रों, और कमेंट में जय भोले शंकर भगवान लिखें। भोले शंकर भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नित्य ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी कमजोरियों के सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी कमजोरियों को सबके सामने उजागर करेंगे तो ऐसे में विरोधी आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाएंगे और मौका पाकर आपको धोखा दे देंगे। मोह खुद पर काबू रखना चाहिए, किसी भी प्रकार धोखे को विश्वासघात बचने से सबसे बड़े हथियार होता है। और चाणक्य जी कहते हैं मन मुताबिक मानव को किसी भी इंसान से ज्यादा लगाव या करीबी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी संबंध में दोनों तरफ से बराबरी न हो तो धोखा मिलना तय होता है। सच झूठ बोलने वाला व्यक्ति अतः निराशा ही हाथ लगती है, वही सच के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने कठिन समय में वह खुद को बचाने से सक्षम होता है। चाणक्य जी कहते हैं सच का साथ देने वाले व्यक्ति ईश्वर की कृपा बनी रहती है, अगर सच का साथ देने में व्यक्ति विश्वासघात कर भी दे तो वह खुद आसानी से परेशानी से निकल आते हैं। और चाणक्य जी कहते हैं कि लालची व्यक्ति किसी भी को अंदर व्यक्ति के करीब रहता है, और लालची व्यक्ति का लालच ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता, उसका होना तय होता है। व्यक्ति हमेशा सिर्फ लंबे समय तक लालची व्यक्ति का नहीं चलता, और ज्यादा करीब लालच के लिए बिना रिश्तों को धोखा मिलना संभव होता है। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचांग के बारे में। पाचांग 5 जुलाई दिन चल रहा है, सोमवार तिथि चल रही है, एकादशी नक्षत्र चल रहा है, भारणी ऋतु चल रहा है, वर्षा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 6:04 पर और सूर्यास्त होगा 7:16 पर। आज का शुभ समय 8:05 से 10:16 तक। आज का अशुभ समय 2:19 से 3:48 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 7 है, और भाग्यशाली दिशा पश्चिम है, और भाग्यशाली रंग पीला है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि आज का दिन किसी सौगात से कम नहीं। सबसे पहले तो इस राशि में सूर्य और बुध एक साथ मौजूद होंगे। दूसरा है कि राशि शुक्र एक दिन राशि होने वाली है, यह योग आपको धनवान बनाएगा, पैसों की कमी दूर होगी, बिजनेस में लाभ मिलेगा और नौकरी में प्रमोशन रहेगा, नए कार्य प्रारंभ करने के लिए वक्त मिलेगा और स्वास्थ्य सही रहेगा, पुराने रोग दूर होंगे, निवेश बीमा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, लेकिन सतर्क रहते हुए कार्य करें। अविवाहित के विवाह की बात इस दिन बन सकती है और लग्जरी लाइफ पर भी खर्च करेंगे। शुक्र ग्रह संभव एवं प्रति निराश होंगे और पशु तत्व, इसके कारण तुला राशि का जीवन अनावश्यक परिवर्तन होगा और स्वयं तराजू की भांति ऊपर नीचे हुएंगे। और आज का दिन सगे संबंधित व पुराने मित्रों से मुलाकात के योग बनेंगे, आपको परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, पहले से चली आ रही कोई बड़ी समस्या का समाधान मिलेगा, और लेकिन ध्यान रखें कहीं जल्दबाजी में बनती बात बिगड़ न जाए। व्यापारिक के समय अनुकूल रहेंगे, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और प्रेम संबंध में दबतील होगा, और आज का दिन आपको दबते जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन होगी, एक दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें, अन्यथा लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे और दोस्तों की मदद से अटके काम पूरे होंगे। मन में कुछ चिंताएं लगी रहेंगी, खासकर संतान पक्ष से कुछ चीज़ों को लेकर तनाव हो सकता है, और अपनी सेहत का खान पान का विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले मित्र अच्छे साबित होंगे, रुके हुए कार्यों में अशक्य सफलता मिलेगी, पारिवारिक किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन संयम और धैर्य रखते हुए कार्य करें, इस स्थिति
स्थितियों में आपकी आवार लेंगी। नौकरी पेशा लोगों का थोड़ा मध्यमिक रहेगा। महिलाओं के अधिकांश कुछ समय पूजा पाठ में व्यतीत होंगे और तमाम तरह की चुनौतियों को परेशान बावजूद जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। लव पार्टनर की तरफ से एक अच्छा समय बिताने का मौका रहेगा और कानूनी मामलों की वजह से तनाव मुमकिन है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। कोई ऐसा इंसान जिसके मन में आपके लिए गलत भावना हो, आज मामला निपटाने का सुलह करने का दिन रहेगा। आज आप अपने दोस्त की महक की उपस्थिति महसूस करेंगे और कार्य क्षेत्रों में आज का दिन काम में प्रगति होगा। अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उन्हें खो जाने या चोरी हो जाने की संभावना है। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन बीतेगा। आज का दिन भागदौड़ भरे दौर रहेंगे और पारिवारिक समय कम बिताने में मौका रहेगा, लेकिन परिवार के साथ बेहतरीन लम्हे गुजारने का आमदायक मौका रहेगा और अपनी शरीर की थकान मिटाने को ऊर्जा स्तर बढ़ाने का प्रयास करेंगे और कार्य व्यवसायिक क्षेत्र में सफल होने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऊर्जा स्तर आपकी ऊंची रहेगी। हर तरह से आपको कंपनी से मदद मिलेगी और इससे आपको सफलताएं भी मिलेंगी। अगर आप पेशे के प्रबंध में सफल रहेंगे तो आपकी कंपनी भी मदद करेगी, क्योंकि आप अपने काम में गलती नहीं करेंगे। भावनात्मक रिश्ते बराबरी की लेन देन से चलेंगे और तुला राशि वाले लोग बहुत से रिश्तों में उलझे रहेंगे, इसलिए कभी कभी इनके रिश्तों में इन्हें गलत भी समझ लिया जाता है, क्योंकि इसलिए पूरे जीवन में कोई बाधा नहीं करनी चाहिए, ठीक से सोच लेना चाहिए। मिथुन तुला कुंभ राशि वाले आज अच्छे जीवन साथी साथी महसूस होंगे। सावधान रहें, यह वह समय चल रहा है जिसमें आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। वाहन चलाते समय या नुकीले यंत्रों का इस्तेमाल करते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी और आज आपको परिस्थितियों के अनुसार ढलने की कोशिश करेंगे। अनुसार और मुसीबत तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपको ये जान लेना है कि सकारात्मक सोच रखने से हमें परिस्थिति अच्छी तरह संभाल सकते हैं। इसलिए आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस तरह की आप परेशानी हल कर सकते हैं। आज आपको एक साथ मौका मिलेगा और बाहर घूमने जा सकते हैं। आपको व्यतीत मिलेंगे। आज का दिन आनंद की और लंबे समय से चली आ रही दोस्ती प्यार में बदलेगी। आपको प्यार की देखभाल करनी होगी। आज आपको सेहत का ध्यान रखना होगा, इसलिए ध्यान रखें और भोजन को कम कम करें और धूम्रपान शराब से दूर रहें। और आज का दिन खुशी भरा गुजरेगा। खुशी के जरूरी नहीं कि आप कहीं बाहर जाएं। और आज आप अपने परिवार को दोस्तों की मदद के लिए रहेंगे, उनकी मदद को आपको धन्यवाद अवश्य देंगे। ये रिश्ते आपको दोनों अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और उत्तम रहेगा। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों।